अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तारुक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जनरल केमिस्ट्री के अंदर हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। हमने फ्राइडे पे ये स्लाइड शुरू की थी जिसमें हमने डाल्टस एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन और एटम क्या होती है वो पढ़ी थी, सिंबल्स एंड फार्मूले भी पढ़े थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप भी एलिमेंट के ही तरह होते हैं। जैसे एलिमेंट बनता है, एलिमेंट के अंदर एक ही किस्म के एटम होते हैं तब जाके एलिमेंट बनता है। तो आइसोटोप भी एक एलिमेंट की तरह एक सेम एलिमेंट के एटम मिलके आइसोटोप बनाते हैं। एलिमेंट और आइसोटोप सेम ही होते हैं, सिर्फ उसमें एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो के आइसोटोप के अंदर कम होते हैं एज कम्पेयर टू एलिमेंट के मुकाबले में। तो सम एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम, देयर आर आइसोटोप्स आर मैग्नीशियम 1224, 1225 एंड 1226। यहाँ पे ये इसकी नोटेशन है। आइसोटोप्स को एलिमेंट की ही नोटेशन में करते हैं, जैसे ठीक है मैग्नीशियम हमारा एलिमेंट है, तो अगर आइसोटोप होगा तो वो भी Mg मैग्नीशियम ही कहलाएगा। ये हमारा एक्स जो है इसका मास नंबर है और जेड जो है इसका एटॉमिक नंबर है। इसको जेड एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन नंबर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जेड, जेड मतलब इसका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसको कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको कहते हैं। उसके बाद 24, 25, 26 ये इसका एक्स है, एक्स मतलब मास नंबर है इसका, ठीक है। वो चेंज होगा, एटॉमिक नंबर सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन का भी सेम होगा और इसका आइसोटोप का भी सेम ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे पीरियडिक टेबल के ऊपर। पीरियडिक टेबल एक ऐसी टेबल है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हमारे, ठीक है, 113 एलिमेंट हैं आई थिंक है, जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे हमने एक अरेंजमेंट के हिसाब से उसको अरेंज किया हुआ है, जिसको हम पीरियडिक टेबल कहते हैं, ठीक है। इसमें ग्रुप और रोज के फॉर्म में इसको अरेंज किया गया है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। इसके अंदर 8 ग्रुप पीरियडिक टेबल के बनाए गए हैं। इसकी अरेंजमेंट इस हिसाब से की जाती है, जैसे भी एलिमेंट हैं, जैसे जो भी एलिमेंट अरेंज किए हैं, अगर हम कॉलम में नीचे ग्रुप में जैसे ही नीचे जाते जाएंगे तो उसका जो जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ठीक है, सीजियम हो गया, तो हाइड्रोजन से लेकर, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे पीरियडिक टेबल के अंदर, जब इनके नंबर ऑफ शेल बनाएंगे, जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ते जाएंगे एटम से। ये सारे ग्रुप में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर हुए पीरियडिक टेबल अरेंज की गई है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ पीरियडिक टेबल के एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम मेटल एलिमेंट कैन बी फाउंड। इलेक्ट्रॉन जो मेटल एलिमेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है नॉन मेटल हैं और ये जो है मेटल्स हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेटल्स हैं और उसके बाद मेटोलाइट्स हैं, तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे एलिमेंट हैं, यहाँ पे आपको सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और गैसेस भी मिलेंगी, ठीक है, ये सब किस्म भी यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑल ऑफ द एलिमेंट कैन बी नोन इजीली। ये मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो पीरियडिक टेबल में नंबर ऑफ शेल जो हैं वो एटम की जो शेल हैं वो बढ़ते जाते हैं उनका नंबर, ठीक है। ये हमारे शो कर रहा है एरो नंबर ऑफ ग्रुप ग्रुप को शो कर रहा है, जैसे जैसे नीचे ये करेगा रोज को, रोज के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन लेके ऐसे, ये हमारे ग्रुप है और ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा रो है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, ठीक है,
रेडियस हो गया, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी ग्रुप में आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद रेडियस, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी, एसिड, बेस, आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये प्रॉपर्टीज हमें बता रही हैं इसके बारे में। कॉलम में अगर आगे जाएंगे एलिमेंट में, तो आगे रोज में उनमें कौन सी चेंजिंग आएगी। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक दो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरी आपको खुद समझनी है। हम अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेडियस को। जैसे जैसे कह रहा है, जैसे हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में, तो रेडियस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ऐसा है, मैंने आपको बताया था एक चीज़ यहाँ पे ये अरेंज की गई है, जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, एटम के नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ रेडियस बढ़ेगा। इसको समझने के लिए एक हमारे पास पीछे पिक्चर है एटम की, ये देख लें। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो ये साइज बढ़ती जाएगी इसकी, ठीक है। तो न्यूक्लियस है, रेडियस क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये समझा गया है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है जो एटम की साइज है वो ज़्यादा हो रही है, तो रेडियस है, डिस्टेंस है, वो भी ज़्यादा हो रहा है, ये ऐसे बताया गया है, ठीक है। और रेडियस अगर इधर से इधर हम जा रहे हैं तो रेडियस हमारा क्या होता, कम होता जाएगा, ठीक है। अब हम कॉलम में जैसे जैसे ऐसे जाएंगे आगे, तो इनका जो रेडियस है वो कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे पोटाशियम है, ठीक है, पोटाशियम का रेडियस ज़्यादा होगा कैल्शियम से, कैल्शियम का कम होगा, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे आप कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक जैसे हो गया आगे जाते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, अगर ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो इसका जो एसिड है वो बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, बेस भी कम होता जाता है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इफिनिटी की बात करें तो अगर हम लेफ्ट से लेकर राइट जाते हैं कॉलम रो के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आयन, हमने पहले भी एक टॉपिक, जनरल टॉपिक पढ़ के उसमें अंदर डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, आयन्स बनते कैसे हैं, ठीक है। आयन्स बनते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होती है, जब किसी ने ले लिया तो उसके ऊपर चार्ज कौन सी आ जाएगी, नेगेटिव ही आ जाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि सोडियम एटम है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ शेल है, ठीक है, उसके अंदर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, एक्स लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि पहले में दो हैं, दूसरे में कितने हैं और लास्ट में एक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक दे देगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक माइनस कम हो गया तो पॉजिटिव आ जाएगी। इसने इलेक्ट्रॉन एक ले लिया, ये एक्स, इसने ले लिया तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसने ले लिया तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम आगे फिर कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।